हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, बड़ा प्रणाम छोटा होगा। हेलो, तो यार मैं रात को यहीं पे रुका होता, यहाँ का नज़ारा मैं आपको अब दिखाता हूँ यार मॉर्निंग का। रात को मैं यहीं पर रुक रहा था, हालांकि मतलब रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मालूम था व्यू बहुत अच्छा आने वाला है यहाँ का। तभी फिलहाल मैं रेडी होता हूँ, चलता हूँ यहाँ से। तो यार अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और खाना पीना भी हो गया मेरा, लेकिन नहाया नहीं हूँ। और उसके पीछे रीज़न ये है कि यार वहाँ पे कोई जगह है, वहीं पे मैं नहाना धोना करूँगा। और यहाँ से बताते भगवान शिव जी की बारात भी गई थी, मतलब पूरा जहाँ पे भी नहाने धोने का हुआ था, सारा सब कुछ हुआ था ना, वो यहीं पर एक जगह है, वहीं पर चलते हैं फिलहाल। अभी काफ़ी अच्छी बता रहे हैं यार, तो रात को ये लोकेशन थोड़ी अलग लग रही थी, वही यार बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है, तो चलते हैं फिलहाल अभी यार। मतलब जम्मू में ऐसा यार माहौल है, श्रीनगर कश्मीर में जाएंगे तो कैसा है यार, मतलब अलग ही यार। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर यार अभी भी वापस गर्मी शुरू हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 11 बज रहे हैं। तो यार मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ अपने अपने स्टिकर लगा रहा हूँ, और तो चलते हैं फिलहाल अभी गौरीकुंड की तरफ। यहाँ से गौरीकुंड आएगा, फिर उसके बाद उससे महादेव मंदिर आएगा, 2-3 किलोमीटर दूर है ना। चलो ठीक है। गौरीकुंड क्यों फेमस है, मतलब क्या है ऐसा वहाँ पे? कुंड है पार्वती थी ना, वो स्नान करने आते थे सुबह। माता पार्वती वहाँ पे स्नान करने आते, स्नान करने आते। आज भी उनका कुंड बना हुआ है, कुंड की गुफा है ना, वो पता नहीं कहाँ तक है लंबी, कितनी कहाँ तक आज, मतलब 2-3 बार कोई बंदे गए अभी तक, वो ना वापस आए ना कोई पता है उनका क्या है क्या नहीं, अभी तक मतलब कोई गया नहीं था। कोई 3 बंदे गए थे साधु वाले ना, वो आए वापस आए, कहाँ गए कहाँ नहीं, ऐसे बताते हैं कि भाई एक शिव गुड़ी जाके निकला था, एक वहाँ वो अमरनाथ जाके निकला था, किसने देखा सर वो भगवान ही जाने। पत्नी टॉप में क्या है वहाँ पे ऐसा? देवदार के पेड़ है, बड़े बड़ी ग्राउंडे हैं, और वहाँ पे जो जो थोड़ा पार्किंग की है, बाकी ऐसे मंदिर वगैरह तो ना पे पता नाग मंदिर है, नाग मंदिर है बहुत बड़ा जबरदस्त, उसका नाग मंदिर का फोटो खींच में खींच के घर में ले सकते हो। एक देवदार का ऊपर है पूरा मंदिर बना हुआ है पत्नी टॉप में, ये नाग मंदिर है वहाँ पे, उसका मंदिर बाबा गवाह उसका नाम है, नाग देव है वहाँ पे। मेरे को यहाँ पे तभी फिलहाल मेरे को यहाँ पे लिफ्ट मिल गई है और अंकल जी ने दी है मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन्हीं के साथ में अभी बैठा था, तो ये मेरे को खाते थका छोड़ दोगे मेरे को? आपको छोड़ेंगे सर, गौरीकुंड में, गौरीकुंड तक छोड़ देंगे मेरे को, फिर वहाँ हम इधर ही रहते हैं, तो वहीं छोड़ देंगे मेरे को, वहीं पे मिलते हैं और वहाँ के बारे में जानते हैं यार, काफ़ी कुछ सुना है, चलो देखने की जगह से बढ़ गई मेरी, तो मिलते हैं वहीं पर। यहाँ पे लिफ्ट दे दी थी और मैं यहाँ पहुँच गया गौरीकुंड, और यहाँ से कुछ ज़्यादा रास्ता जाता है यहाँ का, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, तो चले जाऊँगा आराम से गौरीकुंड। और यहाँ का है ना इंटरनेशनल योगा कुछ बना हुआ है, मतलब समझ जाएगा भाई ना, इतना मेरे को पता नहीं है, मैं यहाँ के लोकल से पूछूंगा तो पता चल जाएगा, इंटरनेशनल है जो भी कुछ है। चलते फिलहाल आगे की तरफ गौरीकुंड की तरफ, और ये देखो यार यहाँ का बोर्ड लगा हुआ, जय माँ गौरी, रास्ता मंदिर गौरीकुंड का, 0.5 किलोमीटर दूरी पर स्वागत करता है गौरीकुंड। तो चलते फिलहाल गौरीकुंड, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, ये रास्ता है ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलते हैं। यहाँ की वादियाँ देखो यार, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, गौरीकुंड कहाँ पे भाई साहब? गौरीकुंड कहाँ से रास्ता? हाँ, तो यहाँ का नज़ारा देखो यार शानदार है। और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ,
ये पता नहीं शायद कोई तबेला वगैरह है क्या है रामधनी, लेकिन जो भी बहुत अच्छा बना हुआ है और हमारे देश का झंडा यहाँ लग रहा है। और ये पता आप जो धुआं देख रहे हो सामने, ये देखो ये धुआं जो लग रही है, मतलब यहाँ का मानना है कि जब आग वगैरह लगा देते हैं ना जंगल में तो बरसात आ जाती है, इसलिए यहाँ पे आग वगैरह लगा देते हैं जंगलों में। काफ़ी शानदार है यार, लेकिन थोड़ी सी धूप है यहाँ पे, तेज़ी है धूप की, काफ़ी अच्छा नज़ारा भाई। तो यार एक रास्ता नीचे से भी जाता था, मैं गलत ट्रैक पे पहुँच गया यार, तो यहाँ का रास्ता बड़ा अजीब है, चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही भाई। ये जो 24-25 किलो वजन लेकर के ऊपर घूमना है पहाड़ों पे, वो भी इस पत्थरों पे, बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन मज़ा खूब आ रहा है यार यहाँ के जो लोकेशन को देख के। और धूप है लेकिन इतनी तेज भी नहीं है। तो फाइनली मैं पहुंच गया शिव गौरीकुंड, और यार यहाँ के नज़ारे देखो यार, मतलब अमेजिंग है। और यहाँ पे मतलब जो पार्वती जी थी, जो गौरी जिनको बोलते हैं अपन, वो यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी, और वो यहीं पे स्नान वगैरह करा करती थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उन्होंने यहीं पे तपस्या करी थी। ये देखो तो चलते हैं फिलहाल अभी अंदर की तरफ। तो ये बना हुआ है यहाँ पे शिव गौरीकुंड, और ये अंदर मंदिर का रास्ता है, तो यहीं पे स्नान करूँगा यार मैं, इसीलिए स्नान नहीं करा था सुबह, मुझे मालूम था कि यहीं पे मुझे नहाने को मिलेगा। काफ़ी शानदार नज़ारे भाई यहाँ के, ये देखो बंदर बंदर से मैं यहाँ पे भी पहुँच गया। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ दोनों का स्नान वगैरह करने का अलग से बना रखा है, और पूरी फैसिलिटी भाई यहाँ की। तो चलते हैं फिलहाल अंदर की तरफ और देखते हैं, एक कुंड यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ के बारे में देखते हैं और जानते हैं। सर ये तो मतलब ऐसे बना रखा है मतलब स्नान वगैरह के लिए, बाकी जो मेन गौरी कुंड है जहाँ पे गौरी स्नान करा करती थी ना, वो है ये जो आप देख रहे हो ना, ये गुफा से जा रही है, ये मैन गौरी कुंड है, यहाँ माँ पार्वती जी स्नान करा करती थी और यहीं पे वो तपस्या करा करती थी। गजब, यहाँ शिवलिंग रखे हुए हैं, ये है वो जगह, मतलब क्या क्या देखने को मिलता है यार, मतलब सोचा नहीं था कभी मैं यहाँ तक आऊँगा, और यहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है। चलो अंदर भी चलते हैं, यहाँ के मंदिर के जो महंत है उनसे जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। पहाड़ नीचे गुफा बनी हुई है माता पार्वती जी की, जो आप स्नान करा करती थी। ये क्या मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, भैरव बाबा की, ये कौन सी माता जी है, गौरी माता की प्रतिमा है। कि गौरी माता ने यहाँ पे बैठ के 1200 वर्ष शंकर भगवान की आराधना की हुई है। कितने वर्ष? 1200 वर्ष। 1200 वर्ष, तो ये शंकर गौरी की प्रतिमा है, शिव परिवार की प्रतिमा नीचे। अच्छा ठीक है, शिव परिवार यहाँ पे है, शंकर गौरी के ऊपर गणेश इत्यादि कार्तिक आदि जो भी शिव परिवार होता है उनकी प्रतिमा यहाँ पे है, तो ये तपस्या सब गौरी माता का यही है। तो कुंड के अंदर गौरी माता ने स्नान किया हुआ है, नीचे कुंड है, पहाड़ी के अंदर जल भरा हुआ है, आप गए होंगे वहाँ पे भी, देखा आपने, तो वो कुंड के अंदर गौरी माता ने स्नान किया हुआ है। वहाँ पे कामधेनु माता ने पूरी अपने दूध की धारा लगा के गौरी माता को स्नान करवाया था, ऐसा बताते हैं। तो वहाँ अभी भी चिन्ह गौरी माता, जो कामधेनु माता के स्तनों के चिन्ह अभी भी दिखाई देते हैं वहाँ पे। अच्छा। अभी भी ड्रॉपिंग चल रही है वहाँ पे दूध की जी। अच्छा। लेकिन अभी जल रूप में दिखाई देता है। अच्छा। ठीक है। वो कुंड माता का स्नान वाली जगह आ गई, ये माता का तपस्या स्थल आ गया। 1200 वर्ष तपस्या करी थी भगवान शिव जी से विवाह करने के लिए।
ये गौरी माता का तपस्या स्थल है पूरा। फिर यहाँ से प्रसन्न होकर उन्होंने विवाह किया था ना जी? कौन से हुआ था? अच्छा, तो ये है गर्भ जोन है ना यहाँ पे, मतलब इसमें से ये यहाँ से निकलने से गर्भ बाह्य से दोषों से छूटता है बंदा, जन्म मरण के दोषों से। अच्छा चलो ठीक है, पाप तो करेंगे जीवन में बहुत सारे, उतर जाएंगे थोड़े से, काफी स्पेशल जगह और यार है भी, क्योंकि माँ पार्वती जी जो तपस्या करी थी यहाँ पे। तो यार ये हो गया, मैं आराम से यहाँ 10-15 मिनट बैठूंगा यार, मैं भी थोड़ा सा आनंद लूंगा यहाँ बैठने का। शानदार जगह सच में, यहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है शंकर भगवान का है, और यहाँ के मैन पुजारी जो होंगे उस समय का ही काफी अद्भुत है। मतलब जो बता रहे थे ना महाराज जी की कामधेनु के जो स्थल वगैरह बने हुए हैं यहीं पे बने रहे हैं लट्टू के आसपास, और वहाँ से भी पानी निकलता है लट्टू के आसपास में बताया था। पूरे पहाड़ से मतलब जो ये बनी हुए है ना चट्टान भाई, पानी पूरा टाइम से गिरता है जहर में जो, अद्भुत है भाई, अलग ही नज़ारे यहाँ के साथ में, मतलब बहुत कुछ देखने को मिला यार। तो यहाँ पे आज लंगर लग रहा है, तो यार खाने का नहीं, वैसे खाने खा के आ गया था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है प्रसाद ले लेंगे, और मैं रहने का देखता हूँ यहाँ पे ज़्यादा ठीक है नहीं तो सुन महादेव से फिर जाना है, वहाँ पे भी बहुत स्पेशल है देखने को यार, बने रहना वीडियो के अंदर, इस वीडियो में बनाऊंगा नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पक्का। मैं वो आ रही सामने से, पानी खरगल की आवाज़ कुछ हो रही है यार, ये पानी जा रहा है सीधा यहाँ की तरफ, यहाँ पे लग रहा है लंगर। ये पूरा पहाड़ है यहाँ पे लग रहा है लंगर, चलो चलते हैं खाना भी खा लेंगे। 1200 वर्ष तपस्या करना है यार, जो प्रसादी थी वो आ गई, और मतलब ये आप कह सकते हो कि मैंने घाट घाट का पानी नहीं, मैंने खाना भी खाया घाट घाट का, तो ये चावल और दाल, तो चलते हैं आगे की तरफ, मतलब खाना वाना खाता हूँ उसके बाद मैं आगे का देखते कुछ नज़ारा। तो यार मैं यहीं पे रुकने की व्यवस्था हो गई फिलहाल मेरी, और यहीं पे रुक रहा हूँ मैं। तो यार अभी एक अंकल जी थे, उन्होंने मेरे को देखा और मेरे से बारे में पूछा ना, तो फिर मैंने उनको मेरे बारे में सारा बताया, और फिर उनको जब उन्होंने मेरे को 100 रुपये ला करके दिए, बोले ले बेटा ये दूध वगैरह पी लेना इनसे। मैं मना कर रहा था, मतलब कि अंकल जी मेरा मतलब मैं विदाउट मनी ही ट्रेवल करता हूँ, ऐसा नहीं मेरा पैसा नहीं है, पैसा है मेरे पास में, लेकिन मेरा जो टास्क है विदाउट मनी ट्रेवल करने का ही है। फिर उन्होंने मतलब जिस हक से मतलब उन्होंने पैसे दिए ना, मतलब कि जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे अपने परिवार के जो सदस्य हैं उस हिसाब से वो पूरे हक के साथ देते हैं, तो वो दे रहे थे। फिर उन्होंने बोला बोले बेटा मना नहीं करेगा तो मेरे को कैसे भी करके ले, फिर उन्होंने मैंने ले भी लिया उनसे 100 रुपये। फिर मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कि इन्होंने मेरे को पैसे मतलब जिस उनका भाव कुछ और था देने का, फिर मैंने पूछा इन्होंने मेरे को 100 रुपये दिए। फिर उन्होंने बताया बोले कि आपकी उम्र का उनका एक लड़का था, वो शांत हो गया था, यहाँ आसपास में कोई झील है उधमपुर के आसपास में कोई जगह, मतलब मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ आसपास में कोई झील है, वहाँ पर उनका जो लड़का था वो शांत हो गया था, मतलब गिर गया था वहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने मतलब उनने कुछ देखा होगा तो फिर उन्होंने मेरे को पैसे दिए। तो चल रहे भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है भाई यहाँ की सच में, और यहाँ पे गेस्ट रूम भी बना हुआ है, लंगर की सुविधा भी है, पूरी सुविधा है। तो यार आप आ सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी जगह है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आरती होने वाली है, तो मैं आपके आरती के भी दर्शन करवाता हूँ, और बड़ा अद्भुत यार सौंदर्य है, मतलब क्या जो कुछ हुआ यार यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो दर्शन भी करवाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। Oh.
ओम सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते मैं खाना खा रहा हूँ और ये है ना मीठा बोलते हैं इसको और ये खीर है यहाँ की बड़ी टेस्टी है मीठा है मतलब गुड़ डाल करके बनाई जाती है काफ़ी स्पेशल है। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार पता नहीं रात के 12 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई डोर बजा रहा है अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ग्यारह बज करके 50 मिनट हो रही है और पता नहीं कोई डोर बजा रहा है यहाँ पे पता नहीं कल पूछेंगे मंदिर में ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर और बने रहना वीडियो के आगे भी ठीक है धन्यवाद।